हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कलकेरिया फ्लोर के बारे में, इसको किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कलकेरिया फ्लोर जो है बहुत अच्छी दवाई है। ये आप घर में हमेशा जो है 12 वैक्स पावर में हमेशा घर में रखिए। आप इसका सिम्टम्स सब समझ लीजिए, आप देखिए एक कितनी वैल्यूबल रेमेडी है। तो दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है, अगर जो है आपके शरीर में कोई गिल्टी निकल गई और गिल्टी पत्थर की तरह हो गई, आप गिल्टी को छू रहे हैं और एकदम पत्थर जैसा हो गया है, तो आप जो है कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स पावर में दिन में 3 बार लगातार दीजिए। आपका जो है ग्लैंड अगर पत्थर की तरह है वो नॉर्मल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका एक और सिम्टम है, सिस्ट पर ये अच्छा काम करती है। आपका सिस्ट कहीं भी हो तो सिस्ट आपका जो है पत्थर जैसा नहीं होता है, सिस्ट एकदम मुलायम होता है, सिस्ट एकदम कोमल होता है। कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार जर्मनी की लगातार लेते रहिए। अगर सिस्ट है या ग्लैंड है, हार्ड है ग्लैंड है, तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है ग्वाटर पर, ये जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, ये कभी कभी इनलार्जमेंट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसको ग्वाटर बोलते हैं। तो ग्वाटर का कोई भी सिम्टम मिले, आप डाइल्यूशन का कोई भी दवाई दीजिए, लेकिन उसके साथ में कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स जरूर दीजिए 100%, तो आपका ग्वाटर जो है एकदम से ठीक हो जाएगा। अगर पुराना रहेगा तो टाइम लगेगा, अगर नया रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, यह सिफिलिस की बीमारी में बहुत बढ़िया काम करती है। सिफिलिस अगर हो गई है, अगर बचपन से हो गई है या बाद में हुई है, और सिफिलिस के साथ में आपके माउथ में और थ्रोट में घाव हो गया है, आप घाव की दवाई खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये सिफिलिटिक घाव है, तो आप जो है कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार जर्मनी की खाइए, सिफिलिस का घाव ठीक हो जाएगा और सिफिलिस की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि लेडीज़ के ब्रेस्ट में जो है हार्ड गांठ पड़ जाती है, जिसको फाइब्रोएडिमा बोलते हैं, तो वो कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार खाएंगी 5-6 महीना, तो उनकी जो है इस तरह की गांठ ठीक हो जाएगी और उनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है, यह जो है मोतियाबिंद पर अच्छा काम करती है। अगर आपका मोतियाबिंद शुरुआत में है, कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, आपका मोतियाबिंद उसी पर रुक जाएगा, आगे आपका मोतियाबिंद नहीं बढ़ेगा। अगर आपका मोतियाबिंद पक गया है, पुराना हो गया है, तब ये दवाई देने की जरूरत नहीं है, तब ये दवाई काम नहीं करेगी। ये दवाई जो है आप 50 साल की उम्र के हो गए हैं, तो आप इसको कलकेरिया फ्लोर खाना चालू कर देंगे तो आपको मोतियाबिंद का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कि हमारे शरीर की जो आर्टरी वेंस जो है, जिसमें खून का सर्कुलेशन दौड़ता रहता है, एक खून का सर्कुलेशन दौड़ते 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 जो आर्टरी वेंस है वो जो है हार्ड हो जाती है, तो उससे खून का सर्कुलेशन कम होने लगता है, तो इसको बोलते हैं आर्टरी स्क्लेरोसिस। तो 50 साल की उम्र में अगर ये दवाई लिया जाए तो उनकी आर्टरी और वेन दोनों स्वस्थ रहती है और उनको आर्टरी स्क्लेरोसिस की बीमारी नहीं होगी, उनकी आर्टरी और वेन स्वस्थ रहेगी हमेशा और उसमें खून का सर्कुलेशन हमेशा अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम हड्डी पर है। इसमें क्या होता है कि हड्डी आपकी जो है कभी कभी सड़ने लगती है, जिसको बोलते हैं नेक्रोसिस एंड कैरिज, और जहाँ पर कैरिज होती है वहाँ पर एकदम गर्म गर्म भाप निकलता है और बोरिंग पेन होता है, एक तरह का बोरिंग पेन होता है, तो उनको जो है कलकेरिया फ्लोर जो है 12 वैक्स लगातार देते रहिए, आपकी हड्डी की जो कैरिज है नेक्रोसिस है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है घुटना पर, घुटने के दर्द पर। अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो घुटने में दर्द होने का दोस्तों कई कारण है। मेन कारण होता है कि आदमी का वजन बढ़ गया और घुटने पर प्रेशर बेसी पड़ गया और उसका कार्टिलेज आस्ते आस्ते खत्म होता है और दर्द बहुत पुराना हो गया है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खाए इंजेक्शन लगाए लेकिन फिर भी घुटने का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो आप जो है कलकेरिया फ्लोर इसमें आपको 200 डेज काम करेगी। तो ऐसे घुटने के दर्द में जो बहुत पुराने हो गए हैं, कलकेरिया फ्लोर 200 डेज 4-4 गोली करके हफ्ते में 1 बार लगातार खाइए, आपका कितना ही पुराना घुटने का दर्द रहेगा वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है नाक पर। नाक के अंदर जो है मान लीजिए फोड़ा हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया या कोई भी ऐसा डिजीज हो गया जिसमें से डिस्चार्ज निकलता रहे, तो आप उसको रोज ड्रेसिंग करवाएं लेकिन डिस्चार्ज निकले, तो अगर डिस्चार्ज निकलता है और डिस्चार्ज में बदबू आती है, तो नाक के किसी भी बीमारी में अगर डिस्चार्ज ऑफेंसिव है, डिस्चार्ज बदबूदार है, तो आप कलकेरिया फ्लोर 12 वैक्स 4-4 गोली करके दिन में 3-4 बार जर्मनी वाली लीजिए, इसको लगातार खाइए, तो आपके नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है ऑफेंसिव बदबूदार, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी।
दोस्तों इसका अगला सिम्टम है दांत पर जो है, दांत में दर्द होता है या दांत में करीज हो गया है या दांत में कोई प्रॉब्लम है तो आपको दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो अगर आपका दांत एकदम ठीक है, साउंड है, खाली आपको प्रॉब्लम एक ही है, दांत हिलता है अगर, तो अगर आपका दांत हिलता है तो आप कलकरिया फ्लोर जो है 12 एक्स पावर में लगातार एक हफ्ता ले लीजिए, आपका दांत जो हिलता है वो सीमेंट की तरह काम करेगा, दांत आपके मसूड़ी में एकदम जाम हो जाएगा, आपका दांत का हिलना बंद हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है गम्स पर, अगर किसी के गम्स में फोड़े हो गए हैं और फोड़े की वजह से ये पूरा सूज गया है और जबड़ा जो है एकदम टाइट हो गया है और फूल गया है और उसमें दर्द हो रहा है, तो ऐसे सिम्टम में कलकरिया फ्लोर 12 एक्स 4-4 गोली अगर दर्द हो रहा है तो आप इसको जो है 2-2 घंटे पर लीजिए, इसको 2-2 घंटे पर लीजिए, आराम हो जाएगा तो अपना नॉर्मल कोर्स में आ जाइए, आपका जो है गम्स का फोड़ा ठीक हो जाएगा और जबड़ा जो टाइट हो गया वो भी ठीक हो जाएगा और जो सूजन है वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल में क्या होता है कि स्कूटर में पानी हो जाता है जिसका इलाज जो है सर्जरी है, लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोसिल की बहुत अच्छी दवाई है, अगर हाइड्रोसिल शुरुआत में हुआ है या मान लीजिए पुराना ही है तो कलकरिया फ्लोर 12 एक्स लेने से पानी सूख जाएगा और हाइड्रोसिल ठीक हो जाएगा। दोस्तों लेडीज पेशेंट अगर ये वीडियो देख रही हैं, अगर उनके ब्रेस्ट में फोड़ा हो जा रहा है तो अगर ब्रेस्ट में फोड़ा हो गया है शुरुआती हालत में कलकरिया फ्लोर 12 एक्स 4-4 गोली करके लगातार लगी तो उनके स्तन का फोड़ा जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है पाइल्स पर, तो पाइल्स दो तरह का होता है, एक्सटर्नल पाइल्स इंटरनल पाइल्स, ये दवाई जो है इंटरनल पाइल्स की बहुत अच्छी दवाई है, अगर किसी को इंटरनल पाइल्स है तो उनको कलकरिया फ्लोर 12 एक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार खाने से उनका इंटरनल पाइल्स एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है वेरिकोज वेन, ये जो है वेरिकोज वेन पर बहुत अच्छा काम करती है, वेरिकोज वेन किसी भी स्टेज में रहे, कितना भी पुराना रहे, दर्द रहे या प्रोमिनेंट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो आप कलकरिया फ्लोर 12 एक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार जर्मनी की लगातार खाइए, 5-6 महीना खाते रहिए, आपका वेरिकोज वेन जो है खाली इसी दवाई से ठीक हो जाएगा, अगर आप कोई डायलूशन दवाई खा रहे हैं तो वो भी खाइए, आपका वेरिकोज वेन एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि जैसे एक घुटने के दर्द में काम करती है, तभी काम करती है जब घुटने का दर्द बहुत पुराना हो गया है, इसी तरह अगर किसी को कमर में दर्द है और कमर का दर्द बहुत पुराना हो गया है, वो अपने कमर दर्द से परेशान हो गया है और बहुत बहुत दवाई किया, बहुत इंजेक्शन लगाया, बहुत एक्सरे कराए, ठीक नहीं हुआ, ये कलकरिया फ्लोर 12 एक्स दिन में 3 बार लगातार आप खाते रहिए, आपको आराम होना चालू हो जाएगा, पुराना से पुराना कमर दर्द एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको कलकरिया फ्लोर के बारे में कुछ सिम्टम बताया, अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं आप जो है अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।